अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को समझेंगे और हम इसके इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी आज करेंगे। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड। तो हमारे जो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, वो एटॉमिक नंबर्स कहलाते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, और ये हमारा जो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कौन कौन मौजूद होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा ऑर्बिट, ठीक है, शेल। ये हमारे पास है न्यूक्लियस। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई जेड। तो यानी कि ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है बेटा, ये रिप्रेजेंट होंगे किससे? जेड से रिप्रेजेंट होंगे, रिप्रेजेंटेड बाई जेड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, रिप्रेजेंटेड बाई जेड, ठीक है। तो ये तो हो गया एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट्स हैं वो अपने एटॉमिक नंबर से पहचाने जाते हैं। कोई से भी एलिमेंट होगा वो अपने एटॉमिक नंबर से पहचाने जाते हैं। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मुख्तलिफ होते हैं। जब ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मुख्तलिफ होंगे तो हमारे पास एटॉमिक नंबर्स भी, एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। अब एक न्यूट्रल एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी न्यूट्रल एटम में। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर हमें इंडिकेट करता है, ऑल्सो इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर ऑल्सो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं ये लिख सकती हूँ, मैंने आपके लिए कीवर्ड्स में यहाँ लिखा है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है जेड के, यानी कि एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। और ये जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास उस एटम में पाए जाएंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड, ठीक है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। प्रोटॉन्स को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद हैं। इसमें से सिर्फ प्रोटॉन हमारे पास एटॉमिक नंबर कहला रहा था, जबकि अगर मैं पूरे न्यूक्लियस की बात करूँ, ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो हमारे पास क्या कहलाएगा? मास नंबर। यानी कि ये जो न्यूक्लियस है अगर इसके वजन की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है किस पर? ये डिपेंड करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर, मास नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो मैं इसको ए कह सकती हूँ, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर होते हैं एटॉमिक मास के, ठीक है। ये हो गया ए, और सिर्फ पी हमारे पास था एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। मास नंबर को हम न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। मास नंबर की डेफिनेशन हमें कहती है टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि टोटल सम करेंगे हम किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम मास नंबर कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड मास नंबर, ठीक है, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ऑल्सो नोन एज अ न्यूक्लियॉन नंबर। इसको हम न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा कि एटॉमिक नंबर इज़ पी इनसाइड द न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाय जेड, जबकि मास नंबर इज द टोटल सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, ठीक है। ये तो हो गया। सोडियम हैज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 एंड मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो क्या है मेरे पास? 23। तो अब हमें इसमें से न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं कि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट हो जाए? मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। तो ये क्या हो गया? ए इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? ये जेड यहाँ पॉजिटिव का है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ए माइनस जेड इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा ए माइनस जेड। ये दो फॉर्मूले, ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा। और जब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन नहीं होंगे, हमें फाइंड आउट करने होंगे, तो हम क्या करेंगे? प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे मास नंबर में से। प्रोटॉन्स क्या है? पुट कर लेते हैं, 23 माइनस 11
इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। तो एन हमारे पास आ गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12। तो सोडियम के पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं 12, ठीक है। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। सो न्यूमेरिकल नंबर वन हमारे पास डेटा में क्या पूछ रहे हैं हमसे, कहते हैं कि एक एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है, ठीक है 12। क्या मालूम करना है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर एक ही है, तो हमसे पूछा है कि बताइए फाइंड आउट करें, तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये जो है वो यही है। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालने के लिए ए इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन, मास नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर ही हमें फाइंड आउट करना है, एटॉमिक मास ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये ए है, तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास हैं 11, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास हैं 12, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, सम कर दूंगी, आएगा 23। ये सोडियम का एलिमेंट है जिसके पास एटॉमिक मास कितना है 23 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 11, ओके। अब आते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग ए इज इक्वल्स टू 40 एंड जेड इज इक्वल्स टू 20। तो कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक एटम में पाए जाते हैं जिसके पास एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर 40 है और एटॉमिक नंबर 20 है। तो हम डाटा बना लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू 40, जेड इज इक्वल्स टू 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 20। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला हमारा ए इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जेड पॉजिटिव का यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए माइनस जेड इज इक्वल्स टू एन। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ए मेरे पास है 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू एन, तो एन मेरे पास आ गया 20, ठीक है। एक एटम है जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 20। आई होप कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।